हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपसे बात करने वाला हूँ न्यू हाफलोंग स्टेशन के हालात को लेकर के, कि मतलब वहाँ पे हैवी रेनफॉल्स के कारण बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो गए हैं। आप एक बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब पहले स्टेशन कैसा था और अभी अचानक से कैसा हो गया है। जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के लेवल तक जो है पानी भर गया है और इंजन्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा डूब गए हैं। अब दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि इस टाइम अगर आप थोड़ा नॉर्थ इंडिया में हो तो वहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बेसिकली वेदर इम्बैलेंस हुआ हुआ है जगह जगह पे। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे जनरली इतनी बारिश इस वक्त में नहीं होती है। जो वहाँ के लोकल्स वगैरह हैं उनका भी ये कहना है कि इस टाइप की बारिश यहाँ पर नहीं आती है इस वक्त में, और इस कारण से बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड्स वगैरह वहाँ पे हो गई हैं। जो ट्रेन के ब्रिजेस होते हैं वो पूरी तरह से बह गए हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे से जो है मिट्टी बह गई है, एंड डिस्ट्रक्शन इतने हाई लेवल का हुआ है दोस्तों कि आप इस फोटो में देख सकते हैं एक पैसेंजर ट्रेन जो है खड़ी हुई है यहाँ पर साइड में, जो कि पलटी हुई है। ये है दोस्तों गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस, जिसके चार डब्बे सिर्फ पानी बहने के कारण जो है गिर गए हैं नीचे, इतना जो है बुरा हाल हो गया है। यहाँ तक कि दोस्तों रेलवे इसके साथ साथ यहाँ पे जो रोड्स हैं उनकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोस्तों ये जो पूरी घटना हुई है दोस्तों ये लुमडिंग और न्यू हाफलोंग सेक्शंस के बीच में हुई है। अब मैं आपको जो है थोड़ी सी कहानी बताता हूँ किस तरह से जो है सारा स्टार्ट हुआ। तो थर्सडे की बात है जब न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास एक खबर आती है कि मायबोंग और माहुर ये दो रेलवे स्टेशन हैं, इनके बीच में हैवी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई हैं जिसके कारण से ट्रैफिक को जो है रोक दिया जाता है। अब एक बेसिक सी टीम जो है भेजी जाती है रास्ते को क्लियर करने के लिए ताकि ट्रैफिक को वापस शुरू किया जा सके। इसके बाद लगातार जो है बारिश होती जाती है और यहाँ पर जो उसके बाद नज़ारा हम लोगों ने देखा वो तो खैर था ही सबके सामने कि इतनी हैवी लैंडस्लाइड्स हो जाती है कि रेलवे ट्रैक्स वगैरह जो है के सारे जो है बहा के ले जाता है, एंड वहाँ पर अब जो रेल नेटवर्क है वो पूरी तरह डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। एंड सबसे जो बेस्ट चीज़ थी ना इस पूरे उसके अंदर कि रेलवेज ने इतना बढ़ चढ़ के जो है लोगों की मदद करी कि मतलब स्पेशल ट्रेन अरेंज कराने से लेकर के बस एम्बुलेंस वगैरह को अरेंज कराना और उन लोगों के लिए खाना वगैरह प्रोवाइड करना, रेलवे ने किसी तरीके से कहीं से भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी दोस्तों लोगों को वहाँ से निकालने को लेकर के। एक एस्टिमेशन के मुताबिक लगभग 56,000 लोग जो है इफ़ेक्ट हुए हैं इस पूरी घटना के अंदर, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाना था जहाँ पे मुझको अपडेट देनी थी कि भाई क्या जो है पूरी सिचुएशन है, बट इसके बारे में अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों से जो है ज़रूर से शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।